हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में बहुत ही धमाकेदार सेटअप लेकर आया हूँ। आज का सेटअप स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये हमने हमारे मतलब महाराष्ट्र की थीम पे मनाया हुआ है। एक तो यहाँ चलते हैं कलर्ड कैबिनेट्स पेंट में और उसके बाद इन कैबिनेट्स की क्वालिटी होती है शानदार। उसके अलावा इनमें होते हैं हैवी वॉटेज के स्पीकर, इनके साथ होती हैं लाइन एरेज, टॉप्स और बहुत कुछ। लेकिन आज जो सेटअप आप लोगों के लिए लाया हूँ वो एक बजट ओरिएंटेड लेकिन टू मच पावरफुल वाला सेटअप और महाराष्ट्रियन थीम के साथ लाया हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता टीजे सेटअप्स के कंपैरिजन में। तो आज वैसा ही एक धमाकेदार सेटअप आप लोगों के लिए लाया हूँ महाराष्ट्र वाला। इस सेटअप का नाम भी हम लोग रखेंगे महाराष्ट्र सेटअप या मराठी सेटअप। चलिए इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं दो डुअल 18 के बेस, दो डुअल 15 के टॉप। टॉप का थ्रो काफ़ी लंबा रहने वाला है क्योंकि हमने इसे कुछ डिफरेंट मेथड में बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और बेस में हमने हैवी वॉटेज यूज़ किया है, एम्पलीफायर, मिक्सर्स, क्रॉसओवर, सभी पूरा सेटअप हमने दिया है। लगभग 2.5 से 3 के बीच में ये सेटअप बैठता है, 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में। और इसे लेने के लिए आप जानते हैं कि हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑफिस नंबर मैं नीचे दिए देता हूँ, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है और महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवरी करते हैं। और आज के सेटअप को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट कलर, हमने कलर बदल दिया, ब्लैक ना देते हुए ऑरेंज कलर का इस बार का थीम है। ये यहाँ पे काफ़ी कॉमन चलता है और काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं। दिखने में सेटअप काफ़ी यूनिक दिखता है, 4-5 सेटअप की रैली में आपका सेटअप सबसे हटके इसी तरीके से दिख सकता है। एम्पलीफायर भी पावरफुल हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। बेस में हमने यूज़ किया ऑडियोटोन PD 2000 वॉट। इसमें डुअल 18 बनाया है, कैबिनेट स्ट्रॉन्ग दिया है, 24mm की प्लाई में यूज़ किया हमने, मतलब हैवी कैबिनेट बनाना पड़ता है, दो लोगों से नहीं उठता है मैं बताऊं आपको, वेटेड हो जाता है, लेकिन अब करना पड़ता है क्योंकि हैवी वोल्टेज का ज़माना है। डुअल 15 के दो टॉप दिए, 500 वॉट के स्पीकर डाले हैं, 120 वॉट की HF डाली है, नेटवर्क लगाया है, इससे भी ऑरेंज किया है, थीम बनाया है एक ऑरेंज वाला। इसके लिए एक एम्पलीफायर दिया है, एक क्रॉसओवर दिया है जो ईजी है, और एक मिक्सर दिया है। इसकी सारी वायरिंग दी है, 5 मीटर की वायरिंग स्पीकर्स के लिए, 1.5 मीटर की वायरिंग दी है क्रॉसओवर टू मिक्सर और मिक्सर टू क्रॉसओवर टू मिक्सर और क्रॉसओवर टू एम्पलीफायर्स होता है कभी कभी। ये सारी वायरिंग देने के बाद इस सेटअप को हमने 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में इसे बना दिया है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। कई बार स्पीकर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और कई बार हमने अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब कई ज़्यादा ऑर्डर आने पे हम भी थोड़ा सा रुक जाते हैं, और इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा लेट हो रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर्स आती रही हैं, गणपति की तैयारी चालू हो गई है। अब भी कीजिए अपनी तैयारी, हम भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस सेटअप को देखने से। सबसे पहले बॉक्स के आपको दर्शन कराएंगे जहां पे आपको ऑरेंज कलर की ये कैबिनेट दिख रही है। CNC कटिंग वाली ग्रिल इसमें हमने लगा रखी है जिसका गेज 16mm से भी बहुत मोटा है। इस पे हमने अपने नाम का ब्रांडिंग कर रखा है और क्योंकि ग्रिल की साइज थोड़ी सी बड़ी आती है तो इसे हम लोग कट करेंगे। ग्राइंडर के थ्रू इसे कट किया जाता है और कुछ इस टाइप के हमने इसमें स्पीकर फिट कर रखे हैं। जाना माना स्पीकर है ऑडियो टोन 1852 PD, ये क्रोम मॉडल है, आप देख सकते हैं पीछे से क्रोम प्लेटिंग वाली टीओक है और कलर जो है हमने ऑरेंज कर रखा है। लोग काफी पसंद करते हैं इस टाइप के कलर बॉक्सेस को, हमारे वर्कशॉप पे ही हम लोग कलर करते हैं इसे और यहाँ से ग्लॉसी फिनिश आप लोग देख सकते हैं। ग्रिल टॉप की जो थी वो ब्लैक रखी गई थी क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी,
और बेस की ग्रिल का कलर हमने चेंज किया हुआ था। टॉप में बेस में हमने दो दो स्पीकॉन सॉकेट डाल रखे हैं ताकि ये पैरेलल कनेक्शन के लिए एकदम रेडी हो जाए। अंदर से वायरिंग प्लस वन माइनस वन सॉकेट पे कर दी गई है और बेस की भी वायरिंग हमने उसी प्रकार कर रखी है। दो खूंखार शेरों के साथ हमने ग्रिल पे विकी वैन भी डाल रखा है। बेस में हमने ऑडियो ट्यून का स्पीकर यूज किया है 2000 वॉट का। हम लोगों ने टॉप में जो है एक्सपो का स्पीकर लगाया 500 वॉट का और 120 वॉट की HF इस पे जोड़ दी। HF मतलब एक्चुअली कस्टमर ने सेटअप सुना नहीं था तो वो चाहते थे कि अगर इसमें HF कम पड़ती है तो एक्स्ट्रा हम उन्हें HF दें, अलग से बॉक्स बना के उसकी भी तैयारी हो गई थी। अब ये है कि इसके हिसाब का क्रॉसओवर भी देना था क्योंकि कभी कभार सेटअप 3-way पे भी बच सकता है, तो एक्स्ट्रा हमने इसकी HF के बॉक्स की तैयारी की है और क्रॉसओवर भी दिया है। लेकिन क्रॉसओवर 3-way तो रहा लेकिन HF देने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जब कस्टमर ने ये सुना तो उन्होंने खुद बताया कि HF एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अच्छा बज रहा है। टॉप में हमने कुछ ऐसा मतलब क्या बोलेंगे कुछ नया क्रिएशन करके उन्हें HF बढ़ा के दी, चलता रहता है। और इस सेटअप को हमने आउटडोर में टेस्ट किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार डुअल 15 आपको दिखाते हैं कौन सा स्पीकर है, फिर इसको लेके चलते हैं सीधा आउटडोर में, हमेशा की तरह ओपन में बरसात में चलते हुए चेक करते हैं इसे। आइए, एक्सपो का ये स्पीकर मेरे शायद पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा, 15 इंच में 500 वॉट, कंपनी 500 बोलती हम लोग 400 बोलते हैं, 3 इंच के वॉइस कॉइल में ये स्पीकर बना हुआ है। बजने में मिड ओरिएंटेड ये स्पीकर रखा गया है, मतलब आप ये दो टॉप बजाएंगे तो आपको मिड बेस अच्छी आएगी। और क्योंकि कंपनी ने कुछ सोच के ही इसका वोल्टेज 500 रखा है, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसके साथ आपको HF बड़ी लगानी पड़ती है ताकि इसकी उस लेवल के मिड को वो HF मैच करे। आप लोग यहां से स्पाइडर देख सकते हैं, मैं थोड़ा कैमरा को क्लोज लेने की कोशिश करता हूं। स्पीकर जंप करते हुए एयर वेंटिलेट होता है। इस सेटअप में वैसे हमने ऑडियोटोन AD9000 एम्पलीफायर दिया है, उसके अलावा एरोंस का R2400 मॉडल दिया है, 3-way वाला क्रॉसओवर दे रखा है हमने और ऑडियो टोन का ही M5 मिक्सर जो कि ब्लूटूथ एनेबल्ड है वो दिया हुआ है। हेलो भैया, मैं देख रहा हूँ, हाँ केबल दिख रहा है? दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? दिख रहा है। अभी मैं इसका दिखाता हूँ। सबसे पहला आपको एक केबल खोलना है, XLR मेल फीमेल। इस केबल को XLR मेल फीमेल बोलते हैं ये, क्योंकि आपके ट्रेनिंग का पार्ट है तो आप भी वो समझ जाएंगे। तो इसके अंदर एक बार मैं वायरिंग दिखा रहा हूँ। इसके दो पॉइंट अपने को इम्पोर्टेंट होते हैं। वायरिंग इसके अंदर किया हुआ है, शील्डेड है, अभी खुला नहीं दिखेगा, लेकिन इसके अंदर के दो पॉइंट इम्पोर्टेंट रहते हैं, 3 और 2। 2 पे आएगा मेन वाला वायर रेड कलर का, 3 पे आएगा अर्थिंग वाला। वाइट वाला जो होता है वो कोल्ड वायर होता है, उस पर वाइट कलर आएगा, वाइट मतलब एक नंबर पे, ठीक है। 2 नंबर मेन वाला वायर होता है इसका, 2 नंबर वाला। अभी ये आ गया यहाँ पे आउटपुट में, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये लगाया मिक्सर में, ठीक है, एक वायर निकला और एक वायर निकालते हैं यहाँ से मिक्सर से। ये भी XLR मेल फीमेल। XLR मेल फीमेल इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बैलेंस्ड आउटपुट आता है, इसमें हमिंग वगैरह का प्रॉब्लम कम आता है। ये दूसरा XLR दोनों में हो गए, ठीक है। अब ये दो आ गए अपने पास आउटपुट केबल जो मिक्सर से निकल रहे हैं, वो अपन लगाएंगे क्रॉसओवर के, इधर देख लीजिए आप, क्रॉसओवर के इनपुट में। इनपुट सेक्शन दिख रहा है? थोड़ा क्लोज लेके दिखाइए, दिख रहा है ना? ठीक है, ये दोनों लग गए। अब दूर से दिखाइए, दूर रखो,
थोड़ा सा, ठीक है। अब अपन लगाएंगे बेस का एम्पलीफायर, जो कि अपन ग्रीन कलर के केबल में लगाएंगे, ठीक है। ग्रीन कलर लगाएंगे अपन बेस में। इसको फिर से खोलते हैं, ग्रीन वाले को। अब बेस का केबल है तो बेस के एम्पलीफायर में लगेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फीमेल साइड, फीमेल साइड एक्सएलआर की, ठीक है। ये लगाएंगे अपन लो में और इधर भी लो में, ये लो लो में हो गई। लो मतलब लो फ्रीक्वेंसी, आवाज लो नहीं। उसके बाद ये अपन लगाएंगे यहाँ पे 89,000 वाट का जो है अपना उसमें, ठीक है। दूर से दिखाओ, अभी चार वायर हो गए ना, अभी अपन करेंगे एक और वायर। ये तो रेड कलर के केबल, ये लगाएंगे अपन मीड में, ठीक है, रेड वाले दोनों। और ये अपन लगाएंगे इधर, हो गया। ये हो गया अपना इनपुट सेक्शन का वायरिंग। अब इसमें इजी करने के लिए और एक फंडा है, वो है अपना, इसको मैंने कर दिया पैरेलल मोड, देख रहे हैं, पैरेलल मोड, सेंसिटिविटी 0.7 और एक ग्राउंड ऑफ, पैरेलल मोड पे कर दिया। तो अब इसके चैनल बी में वायर नहीं भी लगाया अपन ने तो भी चलेगा, ठीक है। ये चैनल वन में लगा दिया, तो पहले वाली वायरिंग भी थी, ये दूसरी भी है। और वैसा ही इसका, इसमें भी अभी पैरेलल और स्टीरियो मोड ब्रिज मोड दिया हुआ है, बराबर है। इसको भी अपन पैरेलल पे रखेंगे, पैरेलल पे रखा तो अब इसको चैनल वन में जो वायर गया ना, ये वाला है चैनल वन, बस चैनल वन में जो वायर गया उस पे लगाइए, चैनल टू का काम ही नहीं। ये आपकी जो वायर साइड में हो गए, ठीक है, ये है वायरिंग, ओके। अब खाली स्पीकर जोड़ने के, स्पीकर जोड़ना कोई बड़ा इशू नहीं है, अपना खाली मालूम होना चाहिए कि कौन सा स्पीकर किस पे जोड़ना है। तो ये हुआ आपका बेस का वायर, ठीक है। ये लगाएंगे अपन इधर एक आउटपुट में और ये जाएगा एक बेस को, वैसा ही। और एक सेम कलर लेते हैं, ये आ गया इसमें और ये जाएगा बेस को। अब ये टॉप है, ये है टॉप का वायर, ये जाएगा टॉप में। और वैसे ही एक दूसरा वायर आएगा टॉप का, कोई जरूरत नहीं,
और ये जाएगा टॉप। हो गया भाई, मिक्सर से लेके गए वायर्स क्रॉसओवर में, इनपुट ए बी में, क्रॉसओवर के बटन सामने सारे आधे रखे हैं सिंपल करने के लिए। यहां से दो आउटपुट निकले हैं, एक गया है लो फ्रीक्वेंसी मतलब बेस के एम्पलीफायर में, और एक गया है मिड हाई फ्रीक्वेंसी पे जो कि टू वे सिस्टम में चलता है, जो कि एरोंस के एम्पलीफायर में जाएगा। यहां से दो आउटपुट निकलेंगे जो टॉप में जाएंगे, और नीचे के एम्पलीफायर से दो आउटपुट निकलेंगे जो बेस में जाएंगे। इन सभी को साथ रख के हम लोग अभी ऑन करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कौन पिन है ना, इसको अपन खोलेंगे। इसके अंदर देखिए अभी निकला हुआ है ना वायर, हाँ इसका वायरिंग करना होता है। इसके अंदर चार पॉइंट है, ठीक है। बटन के पास के जो दो पॉइंट है वो है प्लस वन माइनस वन, अपने को प्लस वन माइनस वन ही जोड़ना है। माइनस यानी नेगेटिव, प्लस यानी पॉजिटिव। अभी रेड वाला मैं यहाँ जोड़ूंगा, ब्लैक वाला इधर, फिर इसको कर देने का फिक्स। एक बार जोड़ते हैं इसको, है ना, रुका ये वीडियो को, ठीक है। क्रॉसओवर के सभी बटन्स आधे आधे रखे हैं, ठीक है। और ये बटन है टू वे पे, अभी ये चालू करेंगे दिख जाएगा अपने को। और ये एम्पलीफायर्स के बटन, अभी एम्पलीफायर ऑफ है तो ये जीरो पे रखे हुए सारे, ठीक है। ऑन करेंगे ना, उसके बाद वॉल्यूम फुल रखना है, फुल दोनों का, कम नहीं रखना है। तो लोग डर के मारे कम रखते हैं, बचता नहीं फिर अच्छा, ठीक है ना। और ये अपना लिमिट है, क्लिप दिख रहा ना, क्लिप क्लिप, हाँ इसमें येलो है, इसमें रेड है। क्लिप वाला लाइट बंद चालू हो रहा है, ठीक है, चालू रह गया नहीं चलेगा। इसमें क्लिप यहाँ पे है, इसमें क्लिप यहाँ पे, ठीक है। चेक करना जब है ना, जैसे दो महीने तीन महीने कार्यक्रम में नहीं भी रहते, अभी जैसा टाइम है, तो चालू करने के बाद पहले दोनों फैन चालू नहीं करेंगे, वो चेक कर लेंगे दोनों एम्पलीफायर के। अब एक बार उसका हो जाए फिट तो खड़ा करते हैं और सबको वायरिंग लगा के बस चेक कर लेते हैं। नारायण एक बार पूरा कनेक्शन दिखाने के बाद कस्टमर को हमने पूरा सिस्टम को वायरिंग करने के लिए कहा है, और वायरिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसे अंदर भी चेक कर रहे हैं और बाहर भी जाएंगे। एक बार अंदर की सुनते हैं। Boom, 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 boom
हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि मतलब बहुत बड़ी नहीं है, इसमें मोबाइल्स फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सिस्टम नहीं है। इसमें क्या है कि हमको कोई एक दो प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज को कंटिन्यू करना होता है। जैसे कि आप किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो सक्सेस है तो वही फार्मूला आपको रिपीट करना चाहिए। हर बार नया प्रोडक्ट ट्राई करना अच्छी बात है, लेकिन उसका सक्सेस नहीं निकलना ये सबसे ज़्यादा डेंजरस या हजार्डियस है। क्या होता है कि आप अगर किसी को ये प्रोडक्ट देते हैं या यूज़ करते हैं और आपके पास वो बन पड़ता है या उसके यूज़ करने का टेक्निक आपको पता नहीं है, और आप अगर प्रोग्राम में उसे बन मतलब हो जाता है आपके प्रोग्राम में, तो आप लोग अटक जाएंगे। बेटर है कि हम लोग वही सक्सेस फार्मूला को यूज़ करें जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है मार्केट में, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और उसका बेनिफिट हमको सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हम लोग उसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नो डाउट जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हर एक प्रोडक्ट को एक मापदंड पे खरा उतरने के लिए उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो इस चीज़ पे भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, यानी कि कैसे ये मापदंड तय होगा और किन किन चीज़ों के थ्रू किसी चीज़ को टेस्ट किया जाएगा। हालांकि इसके सबके इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स आप अपने पास नहीं रख सकते, तो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन अगर किसी प्रोडक्ट का होता है तो वो है प्रैक्टिकली। इस पे वर्कआउट चल रहा है और इसी वर्कआउट को लेके हम लोग हर एक प्रोडक्ट को आपके लिए पहले टेस्ट करते हैं, उसे बजाते हैं, चलाते हैं, उड़ाते हैं और भी कुछ करते हैं, फिर जो बंद पड़ जाती हैं चीज़ें या उड़ जाती हैं उन्हें साइड करते हैं, जो चालू है वो आपके लिए लाते हैं। मतलब क्या है, सक्सेस गारंटीड वाला फॉर्मूला ही आप तक पहुंचना चाहिए, ये इंटेंशन रहता है हमेशा के लिए। वरना क्या हो जाएगा, चीज़ें तो बिक जाएंगी लेकिन चीज़ें बेचने के बाद सर्विस कौन देगा। कुछ कंपनियों ने 2 साल की वारंटी दे के स्पीकर्स भी निकाल लेते, आप लोग जानते हैं, लेकिन आज वो कंपनियां बंद हो गई हैं। तो ऐसा ना होते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी चीज़ पे जाते हैं जो मोर रियलिस्टिक होती है, मार्केट प्राइस में मिलती है और इसका क्या बोलेंगे, सक्सेस गारंटीड होता है। चलिए इस पॉइंट पे आज की वीडियो की टेस्टिंग आपको कैसी लगी ये बताइए, क्योंकि हमने आउटडोर में टेस्ट किया था, दूर तक इसका रिस्पांस अच्छा आ रहा था और कस्टमर भी हैप्पी हुए थे क्योंकि उन्हें डिलीवरी यहाँ से दिया था। और आप लोगों के लिए यह मैसेज है, अगर आप में से लोग जो सेटअप लेना चाहते हैं वो इस सेटअप को यहाँ आके भी देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हमने डेमो रूम थोड़ा सा रेडी कर दिया आप लोगों के लिए और काम चल रहा है। यहाँ पे आप आइए, 5-6 सेटअप देखिए, अपना चॉइस कीजिए और अपना सेटअप कस्टमाइज भी आप करवा सकते हैं जिस टाइप का आपको चाहिए, फिर उसे आपको हम लोग डिलीवरी कराएंगे। फॉर द टाइम बिंग इस सेटअप को अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑफिस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, और अगर डेमो देखना चाहते हैं तो आ जाइए, महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलने वाला हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।